वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन है। इसी बीच प्रदेश सरकार के आदेश के बाद शराब की दुकानें जरूर खुल गई हैं और लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए शराब खरीद रहे हैं। लॉकडाउन में राहत देने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार ने जिलों को 3 जोन में बांट दिया है। शराब की दुकानों के साथ ही अन्य जरूरी दुकानों को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन चंदौली जिला प्रशासन ने अब तक किसी भी तरह के स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए हैं। वहीं लॉकडाउन में छूट की जानकारी के बाद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक तरफ जहां बाजार बंद है और जरूरी चीजों के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं शराब की दुकानें जिला अधिकारी के आदेश के बाद खुल गई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाते हुए शराब की दुकानों पर भीड़ जुट गई है, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस तैनात है। डीएम साहब के निर्देश पर आबकारी सभी दुकानें खोली जा रही हैं। शासन निर्देश प्राप्त हुआ है, उसमें ये देखना कि जो कोविड-19 का मानक है उसको सभी को पालन करना है। यानी एक दुकान पर अधिकतम 5 लोग रहेंगे, जो खरीदने आए उसको मास्क पहन के खरीदना होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, सफाई की व्यवस्था होगी, उसके बाद ही बिक्री की जाएगी। कितनी दुकानें हैं पूरे जिले में और किस पूरे जनपद में? 250 दुकानें हैं। आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी की गई है? हम लोग तो तैयारी की यही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। शासन से बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई, एसपी साहब से बात हुई है, उसके लिए पुलिस बल भी तैनात रहेगा कि ज़्यादा भीड़ न इकट्ठी होने पाए, भीड़ को देखते हुए बिक्री किया जाए। कल से ही स्पष्ट आदेश है, उसके दुकानें काफ़ी लेट थी, क्या वजह से? नहीं, तैयारी की जा रही था, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहा था, गोला लगाया जा रहा था, डीएम साहब का सिग्नेचर कराया गया, उसके बाद खोली जा रही हैं, तो तैयारी करने में समय लगता है। बाकी दुकानों को खोलने को लेकर भी कोई निर्देश आपको जानकारी है? शराब दुकानों के बाकी और सारी सब दुकानें खुल रही हैं, सब दुकानें खोली जा रही हैं, सिपाही हर दुकान पहुँच रहे हैं, खुलवाई जा रही हैं सभी दुकानें।